फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिव्यू और अनबॉक्सिंग कह लीजिए कंट्रोल प्लस का करने वाले हैं, जो कि एक ग्लूकोमीटर है। ये बॉक्स आया था और इसके अंदर ये सारी चीज़ें निकली थी। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला मशीन है ग्लूकोमीटर के लिए, ग्लूकोज के लेवल को देखने के लिए कि शुगर अपना कितना है क्या नहीं है। इसके साथ इसमें 5 ये नीडल आते हैं, एक मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और ये बॉक्स आता है आपका कंट्रोल प्लस का बॉक्स आता है, इसमें स्ट्रिप्स होती हैं, इसमें 25 स्ट्रिप्स दे रखी हैं। इस बॉक्स की खासियत है, जब आप इसमें नंबर देखते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पर दे रखा है कि अगर आपका ना कंट्रोल एल आ रहा है, यानी कि 36 से लेके 47 आपका एमजी आ रहा है, तो यानी कि बहुत लो है आपका शुगर। और 105 से लेके 137 अगर आपका आ रहा है, यानी कि है आपका नॉर्मल में आ रहा है शुगर एमजी। एंड अगर आपका हाई है तो 311 से लेके 404 ये हाई आपका शुगर हो जाएगा, इस डब्बे में मेंशन किया गया है बॉक्स में पीछे की तरफ से। अच्छा, अगर आप स्ट्रिप्स लेंगे तो प्लीज़ आप एक्सपायरी डेट वगैरह ज़रूर चेक करके लीजिएगा कि ये कैसा है। वैसे तो हर चीज़ में एक्सपायरी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस इस बॉक्स में इतना ही। अगर मैं इस बॉक्स को ओपन कर देती हूँ, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ ये वाला। ये देखिए, इसके अंदर स्ट्रिप्स आएंगी ये वाली, और इसको स्ट्रिप्स को लेते ही तुरंत आपको बंद कर देना है और इसे नॉर्मल जगह पे रखना है, ज़्यादा लाइट के फोकस में नहीं रखना है। इसमें आप अगर देखेंगे तो ये ग्रे कलर का आ रहा है, एक स्ट्रिप है, इसको आपको सीधे इसके अंदर डालना है और यहाँ पे ब्लड आपको देना पड़ेगा, जिससे ये ग्लूकोमीटर काम करेगा और आपको शुगर का लेवल बताएगा। ठीक है, इसको वन टाइम ही आपको यूज़ करना है। एक सुई को कम से कम आप एक इंसान पे 5 से 6 बार आप यूज़ कर सकते हैं। ये नीडल इसके अंदर ही रखना है आपको। अगर आप किसी और का और अदर पर्सन का यूज़ कर रहे हैं तो नीडल आपको चेंज करना होगा। एक नीडल से सिर्फ एक ही पर्सन चेक करना है आपको, ओके। इसके साथ साथ आपको इसमें एक डायरी दी जाती है, जो कि आप इसमें अपना डायबिटीज़ का सारा कुछ आप लिख सकते हैं कि कब कौन सी डेट में क्या था क्या नहीं, जैसे कि मैंने लिख रखा है। टाइमिंग आ जाएगा खाने से पहले, खाने के बाद में, इस तरीके से आपको ये मेंशन करना है। अच्छा है डायरी, अगर आप डॉक्टर को दिखाने जाए तो अपने साथ ये डायरी लेके जा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं अपनी सारी डिटेल। इसके साथ मुझे बुकलेट जो दी गई है मुझे बहुत अच्छी लगी है। इस बुकलेट में आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, टोटल ही इसका बताया गया है कि किस तरीके से इसे यूज़ करना है। आप बिल्कुल देख सकते अच्छी तरीके से नीडल को किस तरीके से फिट करना है, किस तरीके से क्या करना है। आपको किसी भी YouTube वीडियो की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप इसको परचेस करते हैं और आप इसको यूज़ करना देखना चाहते हैं कि किस तरीके से ये यूज़ होता है, तो इसमें सारी डिटेल दे रखी है, वो भी बिल्कुल करेक्ट तरीके से दे रखी है कि अगर आपके इस वाले में मशीन में इस तरीके का कोई साइन होता तो क्या मतलब होता है क्या नहीं, यानी कि आपने स्ट्रिप अच्छी तरीके से नहीं लगाया है, वो सब इसमें बता रखा है। आपको कहीं पे सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी इस बुक जो दे रखा है गाइड बुक, आप इसको बिल्कुल रीड कर सकते हैं, इसमें कंप्लीट बता रखा है सारा। और ये वाली भी बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है, वैसे अगर आप पढ़ना चाहें तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। जब भी आप इस बोतल को आप यूज़ कर रहे हो तो सब 15 टाइम्स है ना आपको शेक कर लेना है, देन उसके बाद इसे यूज़ करना पड़ेगा। और इसके साथ आपको बहुत एक स्मार्ट किट दिया जाता है ये वाला, जिसमें आप ये सारी चीज़ों को एक साथ रख सकते हैं। मैं आपको ये सारी चीज़ें इसमें अरेंज करके अभी बताती हूँ कि किस तरीके से रखना है। बाकी इस बॉक्स में कुछ भी खास नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं ज़रूरत की जो कि मैंने आपको बता दिया है जो इसके अंदर आता है। अच्छा, ये एक और बात है, जो कंट्रोल प्लस है ये नो कोडिंग पे है। नो कोडिंग आप समझ सकते होंगे कि नो कोडिंग का क्या मतलब है, कोडिंग वाला हमें नहीं लेना चाहिए। नो कोडिंग वाला बहुत कंफर्टेबल और अच्छा रहता है, हर जगह पे अवेलेबल होता है। और ये कोई भी स्ट्रिप आप इसमें आराम से लगा सकते हो, मतलब इसी का लगाएंगे और ये हर जगह पे कंट्रोल प्लस वाला आपको मिल जाता है। अभी मैं आपको इस किट में सेट करके बता देती हूँ और आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपको शुगर टेस्ट करनी है। वीडियो में बने रहिए। इसका किट है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें रख दी गई हैं, इंजेक्शन की ये वाले नीडल हैं यहाँ पे, और ये इंजेक्ट करने वाला जो सुई होता है वो है, और ये बॉक्स है, और ये वो मशीन है जिससे हम चेक करेंगे। और कॉटन आपको पास में ले लेनी है चेक के लिए। चलिए मैं करके बताती हूँ कि किस तरीके से टेस्ट किया जाता है। ये इसकी सुई है, इसके अंदर इंजेक्शन है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है इसका इंजेक्शन है, ठीक है। इसको इस तरीके से बंद करना है। ये वाला जो साइन आपको दिखाई दे रहा है, ये जब अगर ये इस तरीके से होगा एम्प्टी, यानी कि ओपन करना है, और इस तरीके से अगर ये वाइट और ब्लैक को आप मिला देंगे तो ये हो जाएगा बिल्कुल टाइट, ठीक है। इसमें नीडल का बता रखा है कि कितने गहराई तक ये जाएगा हमारी स्किन पे, तो आपको हमेशा इसको 4 पे या 5 पे रखना है।
या इन दोनों के बीच भी आप रख सकते हैं। किसी की स्किन मोटी और पतली होती है, उस हिसाब से नीडल की स्पीड जाती है अंदर, ठीक है। अब आपके इसमें नीडल है और अभी आपको क्या करना है, इसको पीछे से थोड़ा खींचना तो एक आवाज़ आएगी, यानी कि सुई रेडी हो चुकी है ब्लड निकालने के लिए। ओके, इस तरीके से ध्यान से देखिएगा, ऐसे निकाल के आपको छोड़ना है। अब सुई रेडी है, इस वाले बटन को आपको प्रेस करना है फिंगर को सामने रखकर, ठीक है। बिल्कुल देख लीजिए आप ध्यान से, इस तरीके से आपको करना है। ये देखिए ब्लड निकल रहा है, देख रहे हैं आप। इसको थोड़ा सा इस तरीके से प्रेस करना है, थोड़ा सा निकलने देना है आपको बस। ये डब्बा है, इसके अंदर आप बॉक्स के अंदर ये देख सकते हैं नीडल। इसको थोड़ा सा आप है ना आप शेक कर लीजिएगा, ठीक है। देन मतलब 15 बार आप थोड़ा शेक कर लीजिएगा, इस तरीके से शेक करना है आपको। देन उसके बाद इसको ओपन करना है, फटाफट आपको ओपन करते ही इसको बंद कर देना है और साइड में करना है। ये मशीन है आपकी, मशीन को आपको इधर दबा के ऑन कर देना है। देन ऑन करने के बाद ये रेडी हो जाएगा। इसमें आपको ये नीडल जहाँ पे ये वाला दे रखा है ग्रे कलर, इसको एंटर कर देना है। अब एक आवाज़ आ गई है और ये साइन दिखा रहा है, यानी कि इसमें ब्लड देना है, ठीक है। ब्लड आ गया है, आपको इस तरीके से लेना है इसमें। अब ये 5 सेकंड में रेडी कर देगा, आप देख रहे हैं नंबर चल रहा है। अब ये बता देगा, हाँ ये लोड हो रहा है, इसने बता दिया है 105 mg बता दिया है, ठीक है। ये आपका आ गया है, ये है आफ्टर मिल्क, खाना खाने के बाद ये लिया गया। खाना खाने से पहले भी टेस्ट करते हैं, जो खाली पेट होता है। खाना खाने के 2 घंटे के बाद आपको ये वाला टेस्ट लेना है। जैसे ही टेस्ट हो जाए फिर इस नीडल को आपको रिमूव कर देना है, कॉटन से पकड़ के भी आप रिमूव कर सकते हैं और इसे डस्टबिन में फेंक देना है। और बच्चों के हाथ से बिल्कुल आपको ये चीज़ दूर रखनी पड़ती है। अब इस नीड आप इसे बार बार यूज़ नहीं करना है आपको।